हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र, और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि 5 अप्रैल को जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अपन को रात को 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक अपन को घर की लाइट ऑफ करके रखनी है, बाकी का लोड ऑफ नहीं करना है। और आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, उस पर भी आया था कि अपन को 5 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक अपन को घर की लाइट ऑफ करनी है, बाकी का लोड ऑफ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, उनने ऐसा क्यों बोला था कि अपन को घर की लाइट बस ऑफ करनी है, बाकी का लोड ऑफ नहीं करना है? फ्रेंड्स, उन लोग ने इसीलिए बोला था कि टोटल ब्लैकआउट हो जाता तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टोटल ब्लैकआउट होने से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और ये जो 9 मिनट का जो लाइट ऑफ करी थी इससे क्या प्रॉब्लम आ गई थी। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, 9 मिनट का जो ब्लैकआउट हुआ है, ठीक है, जो लाइट अपन ने ऑफ करी है 9 मिनट के लिए, उससे अपनी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो अपन के इंजीनियर ने उस सिचुएशन को कैसे मेंटेन किया और स्टेबिलिटी को कैसे बनाए रखा, तो इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे कि पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी उस समय क्या थी और उसको मेंटेन कैसे किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ा मात्र 9 मिनट के अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को कैसे एनालाइज करेंगे। देखिए फ्रेंड, स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स 5 अप्रैल को रात को 9 बजे से लेकर 9 मिनट तक अपन ने लाइट ऑफ कर दी थी, तो उस टाइम अपने जो ऑल ओवर इंडिया के पावर की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही अपन ने लाइट ऑन करी थी, यानी 9 बजे से लेके 9 मिनट के बाद अपन ने लाइट ऑन कर दी थी, तो उस समय डिमांड फिर इंक्रीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स, अपन लोगों को वो डाटा पता होना चाहिए कि 4 अप्रैल को अपनी ऑल ओवर इंडिया की डिमांड कितनी थी और 5 तारीख को अपनी इंडिया की डिमांड कितनी थी, और इस टाइम जिस टाइम अपन ने लाइट ऑफ करी थी उस टाइम अपनी डिमांड कितनी इंक्रीज़ हुई, और देन आफ्टर वो कितनी कितनी डिक्रीज़ हुई और कितनी इंक्रीज़ हुई। तो फ्रेंड्स, वो डाटा मैंने इस वाली वेबसाइट से लिया है जिसको बोलते हैं पुसोको वेबसाइट, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको अपन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर न्यू दिल्ली से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने ऑल वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि मोदी जी ने किया है कि अपनी लाइट को अपन को 9 मिनट तक ऑफ करना है, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अपन देख लेते हैं, कुछ डाटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये डाटा है कुछ मेरे पास, ठीक है। तो देखिए, ऑल इंडिया की डिमांड है, ये डेट वाइज है, ब्लू कलर की डेट अलग है, ठीक है, ये सब डेट वाइज डिनोट कर रहे हैं कलर से। तो अपन डायरेक्ट देखते हैं येलो कलर से जो डिनोट हो रहा है ग्राफ, उसको अपन देखते हैं, क्योंकि 5/4/2020 का वही डाटा है, ठीक है। तो अपन येलो कलर में देखिए, आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये देखिए पहले ये एकदम से डिक्रीज़ हुई, ठीक है, फिर ये एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और भी जो दूसरी डेट के जो ग्राफ हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा है, वो अपने प्रॉपर तरीके से वो कांस्टेंट है जैसे थे वो। लेकिन इस पे देखिए, संडे को आप येलो कलर का ग्राफ देखिए, वो एकदम से डिक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि ये 5/4/2020 का ये ग्राफ है। किसका है ये? ऑल इंडिया की डिमांड उस टाइम पहले डिक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज़ हुई। फ्रेंड्स, आगे अभी और दिखा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, उसी ग्राफ को मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए जो 4 अप्रैल 2020 को जो ग्राफ था वो देखिए सीधा है, स्ट्रेट लाइन पे है, लेकिन 5 अप्रैल 2020 का जो डिमांड का ग्राफ है वो कैसे जा रहा था? पहले तो ये ठीक है, सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन एकदम से, ठीक है, नीचे आप देखिए, ठीक है, 8-9 बजे के बीच में ये ग्राफ एकदम से नीचे गया, और फिर इसके बाद 9:10 के बाद ये एकदम से फिर ये ऊपर स्लाइटली, यानी धीरे 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 करके फिर ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मैंने ये है कि डिमांड पहले एकदम से कम हो गई और फिर एकदम से बढ़ गई। तो दोस्तों, ये डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपनी क्यों हुई है? क्योंकि अपन ने 9 बजे लाइट ऑफ कर दी थी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, इस ग्राफ में मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए हैं, यानी अपनी डिमांड भी और अपनी फ्रिक्वेंसी भी। जो येलो कलर से जो दिखा रहा है वो डिनोट कर रहा है डिमांड को,
और जो ब्लू कलर से जो ग्राफ बनाया है वो डिनोट कर रहा है फ्रिक्वेंसी को। तो फ्रेंड्स देखिए आप 9 बजे के टाइम, तो 9 बजे के टाइम में जो येलो कलर से जो दिखा रहा है वो देखिए एकदम से नीचे जाने लगा है, ठीक है, क्योंकि लाइट अपन ने ऑफ़ कर दी थी तो यानी डिमांड अपनी कम हो गई थी। और देखिए उसी टाइम जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो बढ़ने लगी, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने लगी तो बढ़ते जा रही है फ्रिक्वेंसी और डिमांड अपनी देखिए कम होती जा रही है। और फिर जैसे ही 9:10 के बाद आप देखिए ग्राफ में आपका अपना जो येलो वाले जो ग्राफ है वो फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, यानी पावर अपनी पावर की वैल्यू फिर ज़्यादा होने लगी और अपनी फ्रिक्वेंसी फिर कम होने लगी। तो फ्रेंड्स ये वाला ग्राफ देखने के बाद आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया है कि अपनी जब पावर की डिमांड है वो जब कम होती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और पावर की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पावर और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कब पावर अपनी बढ़ती है, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कब कम होती है। जैसे फ्रेंड देखिए ये ग्राफ होता है, ये पावर और फ्रिक्वेंसी का यही ग्राफ होता है, क्योंकि आप देखिए जब अपना पावर ज़्यादा था तो फ्रिक्वेंसी कम थी, और जब देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पावर की वैल्यू कम हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी जो पावर होती है 1, वो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। तो चलिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स 9 बजे के बाद अपना जो पावर का जो डिमांड था, ठीक है, पावर का डिमांड कम हो गया था, ठीक है, जब पावर का डिमांड कम हो जाता है तो ठीक है लोड भी कम हो गया था। अब जब लोड कम हो गया था तो टॉर्क तो बढ़ेगा ही, अब टॉर्क जब बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पीड तो बढ़ेगी ही, और स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स ये मैं बात कर रहा हूँ जनरेटर की, जो अपने पावर प्लांट में जो जनरेटर होता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए 9 बजे के बाद अपनी जो पावर की डिमांड थी वो फिर बढ़ गई, पावर की डिमांड बढ़ गई तो लोड भी अपना बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो टॉर्क कम हो गया, और टॉर्क कम हो गया तो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरेटर का मैं बता रहा हूँ, जो अपने पावर प्लांट से जहाँ से अपनी बिजली आती है, जहाँ से जनरेशन होता है, उस जनरेटर में यही होता है। तो जो अभी अपने लॉकडाउन के टाइम, ठीक है, ये अपने जो ब्लैकआउट किया था, लाइट को जो अपने ऑफ किया था, उसमें ये इन्होंने यही किया था, उन्होंने 9 बजे के बाद फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया था, और 9 बज के 9 मिनट के बाद, ठीक है, 9 बजे के 9 मिनट के बाद फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसको देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो अपनी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट आया था, ठीक है, ये जब डिमांड कम हो गई थी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, और जब डिमांड बढ़ रही थी तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही थी। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो आपको कि कब फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी और कब फ्रिक्वेंसी कम हो रही थी। दोस्तों इस ग्राफ में देखिए आप, इसमें जो रेड कलर है वो रेफरेंस लाइन बताई है फ्रिक्वेंसी की, 50.5 हर्ट्ज बता रही है, ठीक है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो भी रेफरेंस लाइन बता रही है फ्रिक्वेंसी की, ये 49.9 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बता रही है। तो फ्रेंड देखिए, और जो ब्लू कलर की है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रेंड देखिए लगभग जो नीचे दो ये नंबर टाइप के देखें ये अपने टाइम को बता रहे हैं। तो 9 बजे के टाइम देखिए फ्रेंड्स, तो ब्लू कलर का जो मेरा ग्राफ दिखा रहा है ये, तो 9 बजे के टाइम ये फ्रिक्वेंसी अपने आप देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखिए कितनी ऊपर चली गई है ये, ठीक है, 50.2 से भी ज़्यादा ऊपर तक जा रही है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसी फ्रिक्वेंसी को उन्होंने मेंटेन करके रखा था। और फ्रेंड्स 9:10 के बाद आप देखिए ग्राफ में ये अपनी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, यानी जैसे ही अपनी डिमांड जब कम हो रही थी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, और जब डिमांड अपनी बढ़ गई तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही थी। तो फ्रेंड जो इंजीनियर थे तो उन्होंने अपनी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके रखा था। बोलने का मतलब ये है कि जब अपनी जो डिमांड जब कम हो रही थी तो वो फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दे रहे थे, और जब डिमांड बढ़ रही थी तो वो फ्रिक्वेंसी को कम कर दे रहे थे। तो जैसा कि ग्राफ में प्लॉट आपको दिख रहा है,
फ्रेंड्स क्या होता है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी होने से इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं और कम फ्रिक्वेंसी होने से भी इक्विपमेंट वर्क नहीं करेंगे, हार्मोनिक जनरेट होंगे, ठीक है, कुछ कुछ इश्यू आएगी, शटडाउन पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को फ्रिक्वेंसी इतना मेंटेन करके रखना है कि वो अपने इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहे। मैं फ्रेंड्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो 60 हर्ट्ज़ तक भी फ्रिक्वेंसी अपन को पहुँचा देना है, ऐसा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक अपन उसको वेरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वाले ग्राफ में देखिए आप, लगभग 9 बजे के पहले देखिए अपन की जो डिमांड है कितनी ज़्यादा यानी डिक्रीज़ हो गई। पहले देखिए 116.8 GW था, ठीक है, अब वही अपनी जो डिमांड है कितनी हमने कम हो गई थी, मात्र लाइट के ऑफ होने से 85.8 GW अपनी डिमांड हो गई, यानी इतनी कम हो गई। और फिर से 9:09 के बाद लाइट जब आपने ऑन करी तो ये डिमांड फिर इंक्रीज़ हो गई पावर की, वो कितनी हो गई, 107.6 GW इंक्रीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा कि 9 बजे जब अपन ने लाइट बस ऑफ करी तो एकदम से जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद एकदम से बढ़ जाती है फ्रेंड्स डिमांड। तो आप लोगों को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जब डिमांड कम होती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, शॉर्ट आउट करने के लिए अपन के जो इंजीनियर होते हैं वो फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी हार्मफुल है और बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी भी वो भी हार्मफुल है। तो इन्हीं के वजह से डिस्टॉर्शन वगैरह, हार्मोनिक वगैरह और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी वगैरह अपने सिस्टम पे आ जाती है। तो इस पे क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रॉपर फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अपने इक्विपमेंट वगैरह फेल ना हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला था कि घर की लाइट बस ऑफ करके रखिए, बाकी के लोड आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखिए डाटा को अपन ने जब एनालाइज़ किया तो इससे क्या निकल के आया कि 9 मिनट के लिए अपन ने घर की लाइट बस ऑफ करके रखी थी तो देखिए कितना ज़्यादा अपना डिमांड कम हो गया था और फिर एकदम से जब लाइट अपन ने ऑन करी तो डिमांड कितनी इंक्रीज़ हो गई थी। तो डिमांड के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही थी जिसको अपन को मेंटेन करना पड़ रहा था, और अगर अपन उसको मेंटेन नहीं करते तो अपने इक्विपमेंट वगैरह फेल हो सकते थे, अपना पावर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो सकता था। इसीलिए फ्रेंड्स वो बोल रहे थे कि अपन के घर की लाइट कम से कम ऑन ऑफ करके रखना है, बाकी लोड चलने देना है। फ्रेंड्स अब तो नॉलेज हो गया होगा आपको कि पावर और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।